ये वीडियो अब तक का हमारे चैनल का सबसे इम्पोर्टेंट वीडियो हो सकता है, क्योंकि बदलते समय के साथ पूरे वर्ल्ड में फ्लैट्स का जो चलन है वो बढ़ता जा रहा है। लोग ज़्यादा मात्रा में फ्लैट खरीदते हैं, बिल्डर से फ्लैट खरीदते हैं। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि एक बिल्डर से फ्लैट खरीदते समय कौन से डॉक्यूमेंट चेक करें। और अगर इतना इंपॉर्टेंट वीडियो आप पूरी तरह से समझना चाहते हैं तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिए, तभी आपको समझ में आएगा। क्योंकि पांचवा पॉइंट जो हम बताने वाले हैं उसमें एक ऐसा डॉक्यूमेंट है या एक ऐसी चीज़ है जो ओवरऑल सब चीज़ों को कवर करता है। मैं डॉक्टर अमोल मौर्य, रियल स्टेट कोच, रियल स्टेट ट्रेनर, रियल स्टेट एंटरप्रेनर, आपको बताना चाहता हूं कि बहुत सारे बिल्डर्स से बात करने के बाद, हमारी रिसर्च के दौरान प्रैक्टिकल लेवल पे बहुत सारे बिल्डर्स के डॉक्यूमेंट चेक करने के बाद, हम बहुत सारे प्रोजेक्ट जिसमें हमारी कंपनीज काम कर रही है फॉर मार्केटिंग, प्रमोशन, ब्रांडिंग, स्ट्रेटजी मेकिंग, इन सब प्रोजेक्ट्स में डॉक्यूमेंट्स को चेक करने के बाद कुछ पॉइंट्स हम आपके लिए लेकर आए हैं, जिससे आपका इन्वेस्टमेंट का जो प्रोसेस है, या आप रेसिडेंशियल फ्लैट खरीद रहे हो या फॉर इन्वेस्टमेंट खरीद रहे हो, जो एक स्मूथ प्रोसेस हो सकता है और आपके पैसे डूबने से बच सकते हैं। So, कम से कम ये पांच डॉक्यूमेंट्स तो चेक करने ही चाहिए, या पांच चीजें जो हम इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं। तो सबसे पहली चीज जो आपको चेक करनी है, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कीजिए, हम नहीं चाहते एक भी इंपॉर्टेंट वीडियो आपका मिस हो। तो दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूंगा कि पहला पॉइंट जो आपको हेल्प करेगा एक बिल्डर से फ्लैट खरीदते समय ये चेक करने में कि क्या आपका डिसीजन सही है या नहीं, क्या आप सेफ इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं या नहीं, वो है चेक रजिस्ट्री ऑफ लैंड। पहला डॉक्यूमेंट है रजिस्ट्री ऑफ लैंड। हाँ, जिस भी बिल्डर से, चाहे छोटी फ्लैट स्कीम हो, 6 फ्लैट 8 फ्लैट, कोई बड़ा अपार्टमेंट हो, 50-60 फ्लैट, कोई टाउनशिप हो, 200 फ्लैट 500 फ्लैट, कहीं पर भी आप फ्लैट खरीद रहे हो, आपको सबसे पहले चेक करना है कि वो जो लैंड है जहां पर ये फ्लैट स्कीम, ये अपार्टमेंट या ये टाउनशिप बन रही है, क्या वो उस बिल्डर के या उस बिल्डर की कंपनी के नाम पे है या नहीं। सो लैंड की ओनरशिप चेक करने के लिए आपको लैंड की रजिस्ट्री या सेल डीड को चेक करना बहुत ज़रूरी होता है कि उसमें जिस ऑथोराइज कंपनी से या व्यक्ति से आप फ्लैट खरीद रहे हैं वो लैंड उस व्यक्ति के नाम पे या उस कंपनी के नाम पे है या नहीं है। जिसके लिए आपको सबसे पहले ये चेक करना होता है कि उसकी रजिस्ट्री के एक एंड में पेज होता है जिसमें किसने वो लैंड बेची है और किसने वो लैंड खरीदी है, उसका एक फोटोग्राफ भी होता है जिसे हम लोग रजिस्टर्ड एग्रीमेंट या सेल डीड, अलग अलग नाम आपने रियल एस्टेट इंडस्ट्री में सुने होंगे, वो चेक करना सबसे पहला और बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस। सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट जो आपको चेक करना है वो है टाइटल सर्च रिपोर्ट एंड बिल्डिंग सैंक्शन प्लान। वैसे तो ये दो डॉक्यूमेंट है, लेकिन मैं कंबाइन करके बता रहा हूं आपको कि सर्च रिपोर्ट ऑफ दैट एंटायर लैंड, कि हो सकता है बिल्डर ने जिस व्यक्ति से लिया क्या वो भी ऑथोराइज ओनर है या नहीं। तो 30 साल 40 साल 50 साल का एक सर्च रिपोर्ट निकलता है एडवोकेट के द्वारा, जो ऑलरेडी बिल्डर के पास होता है। आप डिमांड कर सकते हैं कि टाइटल की सर्च रिपोर्ट है क्या, या थोड़ा सा कुछ अमाउंट खर्चा करके आपके एरिया के रेट्स के हिसाब से आप एक एडवोकेट को हायर करके भी वहाँ की टाइटल सर्च रिपोर्ट निकाल सकते हैं, जिसमें लैंड के पुराने ट्रांजैक्शन, मतलब बिल्डर ने एक्स वाई जेड व्यक्ति से ली, उस एक्स वाई जेड व्यक्ति ने किससे खरीदी थी, सबसे पहले 30-40 साल पहले लैंड किसकी थी, वो भी ट्रैक रिकॉर्ड होता है। तो सर्च रिपोर्ट अगर आप देख पाते हैं तो बहुत अच्छी बात है। और एक सबसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है बिल्डिंग सैंक्शन प्लान। मान लीजिए 3 फ्लोर की वो स्कीम है, हर फ्लोर पे 2 फ्लैट है और टोटल 6 फ्लैट है उस छोटी सी फ्लैट स्कीम में, या मान लीजिए 10 फ्लोर की स्कीम है, हर फ्लोर पे 10 फ्लैट है, टोटल 100 फ्लैट है उस अपार्टमेंट में, या मान लीजिए 100-100 फ्लैट के 10 टावर एक बड़ी टाउनशिप है, कुछ भी हो, उसका एक ऑथोराइज सैंक्शन प्लान होता है। जो जिस भी सिटी में आप रह रहे हो, फर्क नहीं पड़ता, आप दिल्ली में, बैंगलोर में, कलकत्ता में, नासिक में, वाराणसी में, पटना में है, इंदौर में है, भोपाल में है, सिलीगुड़ी में, आसाम में, भारत में कहीं से भी हो, वर्ल्ड में कहीं से भी हो, वहाँ एक सैंक्शनिंग बॉडी होती है जो परमिशन देती है उस बिल्डर को वो बिल्डिंग बनाने के लिए। उस सैंक्शनिंग बॉडी का, अगर मैं नागपुर और महाराष्ट्र की बात करूँ, हम नागपुर से हैं, मैं महाराष्ट्र स्टेट से बिलोंग करता हूँ, नागपुर शहर से बिलोंग करता हूँ, तो यहाँ पर अगर NMC है, मान लीजिए कि लोकल सैंक्शनिंग बॉडी है NMC, नागपुर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन, तो NMC में जो भी प्लॉट होगा उसमें जो भी फ्लैट स्कीम बनेगी वहाँ NMC का सैंक्शन प्लान होगा, NMC की टॉप ऑफिशियल अथॉरिटी चीफ इंजीनियर का उस पर साइन होगा, स्टैम्प होगा। अगर मैं बात करूँ कोई प्लॉट NIT में आता है, नागपुर इंप्रूवमेंट ट्रस्ट, तो वहाँ का जो सैंक्शन प्लान होगा बिल्डिंग का, उसमें NIT के चीफ इंजीनियर का साइन होगा, स्टैम्प होगा। अगर मान लीजिए कोई प्लॉट थोड़ा सिटी से बाहर, NMRDA 0 से 25 किलोमीटर का एरिया, यहाँ पर नागपुर मेट्रोपॉलिटन रीजन डेवलपमेंट अथॉरिटी NMRDA में आता है, वहाँ कोई अगर बिल्डिंग बनेगी, चाहे फ्लैट स्कीम हो, चाहे अपार्टमेंट हो, चाहे टाउनशिप हो, तो NMRDA की चीफ इंजीनियर का सैंक्शनिंग प्लान पे साइन होगा, स्टैम्प होगा। वैसे आप जहाँ पर भी हो वहाँ एक एक अलग अलग प्रकार की बॉडी काम करती है, जो बहुत इजीली आपको पता चल जाता है। बिल्डिंग सैंक्शन प्लान को चेक करना बहुत जरूरी है। दोस्तों, जो RGC CEO सीरीज, रियल स्टेट गेम चेंजर CEO सीरीज हमने कंडक्ट की, 2 साल में 100 से ज़्यादा CEO से बात की, मेरे PhD के दौरान और बुक के लिए मिलाकर, तो 100 से ज़्यादा CEO से बात करने के बाद जब बायर अवेयरनेस से रिलेटेड मैंने बातें की, और ये पूरी सीरीज है बायर अवेयरनेस की, बायर अवेयरनेस हम चाहते हैं कि आपको एथिकल, अच्छी और लीगल प्रॉपर्टी इस देश में मिले, हर उस वर्ल्ड में मिले जहां आप खरीद रहे,
तो कई बिल्डर्स ने कहा कि बहुत सारे लोग खरीदने तो आते हैं फ्लैट, पर उन्हें ये तक नहीं पता होता कि पहले बिल्डिंग सैंक्शन प्लान चेक करें। सर हम क्या करें, लोगों को पैसा तो लगा रहे पर नॉलेज नहीं है। दोस्तों ये वीडियो मैं आप लोगों के लिए बना रहे ताकि आपका पैसा सेफ इन्वेस्ट हो, सही जगह आप सही प्रॉपर्टी खरीद पाए। तीसरा इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट जो बहुत इंपॉर्टेंट है आपको चेक करना, वैसे तो मैं टोटल तीन डॉक्यूमेंट इसके पहले आपको बता चुका हूँ, एक रजिस्ट्री ऑफ लैंड, उसके पहले टाइटल सर्च रिपोर्ट और बिल्डिंग सैंक्शन प्लान। एक और डॉक्यूमेंट जो आपको चेक करना है वो रेरा सर्टिफिकेट। हाँ दोस्तों, आज भारत में कहीं पे भी कोई भी बिल्डर काम कर रहा हो, हाँ अगर बहुत छोटी फ्लैट स्कीम है, मान लीजिए 3 फ्लैट 6 फ्लैट 9 फ्लैट से कम है तो वो रेरा में नहीं आती है। 9 फ्लैट भी अगर उसने बनाए हैं, मतलब 8 फ्लैट है 7 फ्लैट है, रेरा में नहीं आता है। 9 फ्लैट के ऊपर अभी रेरा में अप्रूवल लेना बहुत ज़रूरी होता है। मैक्सिमम लोग जहाँ खरीदते हैं वो थोड़ी बड़े अपार्टमेंट या बड़ी फ्लैट स्कीम या बड़ा टाउनशिप ही होता है। तो रेरा का सर्टिफिकेट बहुत ज़रूरी होता है रियल स्टेट रेगुलेटरी एक्ट का, तो रियल स्टेट रेगुलेटरी एक्ट का सर्टिफिकेट। और अगर मान लो रेरा में नहीं आती तो सर उस समय क्या चेक करें, तो उस समय बिल्डिंग सैंक्शन प्लान और ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है कि लोकल अथॉरिटी से बिल्डिंग सैंक्शन प्लान पूरी तरह से अप्रूव्ड है या नहीं, और रजिस्ट्री बराबर उस लैंड ओनर के नाम पे है या नहीं जहां पे रेरा अप्रूवल नहीं है, जो प्रोजेक्ट रेरा के अंतर्गत नहीं आता। तो रेरा सर्टिफिकेट एक इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है जो आपको चेक करना है। और रेरा की वेबसाइट पर जाकर आप चाहो तो ये भी चेक कर सकते हो कि जो बिल्डिंग प्लान आपको दिखाया गया वही प्लान उस वेबसाइट पर अपलोड है या नहीं, इतना ज़्यादा आप वेरीफाई कर सकते हो। देखो दोस्तों, इसके लिए कोई बहुत ज़्यादा सीखने की जरूरत नहीं है, बहुत एडवोकेट्स की जरूरत नहीं, अगर थोड़ा सा भी बायर अवेयर हो जाए तो सही प्रॉपर्टी सही जगह पर आप खरीद सकते हैं। चौथा बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, बैंक का सैंक्शन लेटर। ये एक ऐसा डॉक्यूमेंट है, अगर इसके आप महत्व को समझ गए तो रियल स्टेट में आप बहुत सेफ इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। मान लीजिए किसी बिल्डर का कोई बड़ा प्रोजेक्ट आ रहा है, 100 फ्लैट है, और HDFC, SBI, कोई भी बैंक हो, यूको बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, इन्होंने अप्रूवल दिया, ICICI बैंक, कोटक बैंक, उस केस में वो बैंक की पूरी टीम आकर भी उस प्रोजेक्ट के पूरे डॉक्यूमेंट्स को चेक करते हैं लीगल एडवोकेट्स के। क्यों दोस्तों, देखो आपने एक फ्लैट लिया 50 लाख रुपए का, 40 लाख रुपए का लोन लिया, 10 लाख रुपए का डाउन पेमेंट कर दिया, आपका तो 40 लाख रुपए का ही लोन बैंक से आया है या लायबिलिटी 40 लाख की, लेकिन मान लो कि उसी प्रोजेक्ट में 100 फ्लैट ICICI HDFC ने फाइनेंस किए हो, तो उनका तो 40 करोड़ रुपया उस प्रोजेक्ट पे फंसा हुआ रहता है। तो उनका चेक करना और ज़्यादा ड्यू डिलीजेंस के साथ होता है, उनकी पूरी एडवोकेट की टीम उस बिल्डर के पूरे डॉक्यूमेंट्स को चेक करती है, तभी जाकर एक बैंक का अप्रूवल सैंक्शन लेटर आता है कि दिस प्रोजेक्ट इज प्रॉपरली चेक बाय XYZ बैंक एंड देयर एम्प्लॉयज, एंड ये बैंक अप्रूव कर चुकी है कि ये प्रोजेक्ट लीगल है, एथिकल है, और यहाँ पर लोन का अप्रूवल मिल चुका है। क्योंकि आपका तो एक फ्लैट का पैसा अटका है, उनके 100 फ्लैट का पैसा भी अटक सकता है, इसीलिए बैंक का सैंक्शन लेटर भी बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है। और जितनी बड़ी बैंक उतना ज्यादा उनका लीगल ड्यू डिलीजेंस एंड टीम काम करता है। और पांचवा बहुत इंपॉर्टेंट जो मैंने आपसे प्रॉमिस किया था वो है मास्टर फाइल। अगर मास्टर फाइल को ठीक से देखना समझना आपको आ गया, मास्टर फाइल एक ऐसी बड़ी फाइल होती है जिसमें जितने डॉक्यूमेंट मैंने बताए वो रखना अनिवार्य है, कंपलसरी है किसी भी बिल्डर को। और यह आपका राइट है एज अ बायर कि आप मास्टर फाइल चेक कर सकते हैं, उसमें आप रजिस्ट्री चेक कर सकते हैं, टाइटल सर्च रिपोर्ट चेक कर सकते हैं, बिल्डिंग सैंक्शन प्लान चेक कर सकते हैं, रेरा सर्टिफिकेट, बैंक का सैंक्शन लेटर और बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स जो उस लैंड से रिलेटेड है, ओल्ड 712 ऑफ द लैंड, सब कुछ मास्टर फाइल के अंतर्गत होता है। उसको आप डिटेल में चेक करते हैं अगर, तो आप बहुत सेफ इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, एक अच्छा फ्लैट रेसिडेंशियल पर्पस के लिए चाहे इन्वेस्टमेंट के लिए आप खरीद सकते हैं। तो अगर दोस्तों आपको लगता है कि हमारी वीडियो बहुत वैल्यूएबल है तो इन वीडियोस को जरूर शेयर कीजिए, लोगों तक पहुंचाइए। हमारे मिशन को सक्सेसफुल बनाने के लिए, 1 लाख से ज़्यादा लोगों को ट्रेन करने के लिए, अच्छे एथिकल बिल्डर एंटरप्रेन्योर बनाने के लिए इन वीडियोस का लोगों तक पहुंचना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर एक व्यक्ति भी 40-50 लोगों को जॉब दे पाता है तो भारत में 50 लाख नए जॉब क्रिएट होंगे। सो अगर ये वीडियो आपको काम का लगता है तो ये वीडियो को शेयर कीजिए, डाउनलोड कीजिए, इसके लिंक को शेयर कीजिए। और किसी और टॉपिक को वीडियो देखना चाहते हैं कमेंट करके बताइए। अगर आपको हमारी कहीं हेल्प लगती है फॉर कंसल्टेशन, एक्सपर्ट ओपिनियन, मेंटरशिप, हमारे नंबर्स पे भी आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अभी तक जुड़े रहने के लिए, वीडियोस को लाइक करने के लिए, चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए धन्यवाद।